जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महतो सर में। आज हम लोग बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग के कितने टाइप्स होते हैं, हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं और अंग्रेजी में उपसर्ग कितने होते हैं, और इसके साथ साथ उपसर्ग का संधि विच्छेद क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, देखिए, उपसर्ग वह अव्यय या शब्दांश है जो किसी शब्द से पहले आकर उसकी विशेष अर्थ बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी अर्थ से पहले आकर उस अर्थ को क्या कर देता है, बनाता है, उसके विशेष अर्थ को बनाता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। एक तरीका मैं ये भी बताता हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय में कभी कभी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। देखिए, शॉर्टकट तरीका समझने के लिए मैं बताता हूँ कि उपसर्ग उप मतलब ऊपर, प्रत्यय मतलब पीछे, ये समझने के लिए कोई कंपल्सरी नहीं, मैं इस ट्रिक को बनाया हूँ। तो उप मतलब ऊपर मतलब पहले, प्र मतलब पीछे, यानी कि कोई भी शब्द अगर उपसर्ग, अगर कोई भी शब्द को उपसर्ग बनाने के लिए बोलता है तो उस शब्द को अगर उपसर्ग लिए बोलेगा तो उसको पहले हम लोग जोड़ेंगे। उपसर्ग में क्या करेंगे, पहले जोड़ना है और प्रत्यय, प्र मतलब पीछे, प्रत्यय कहेगा अगर उस किसी शब्द से प्रत्यय बनाने के लिए कहेगा तो उस शब्द में हम लोग क्या करेंगे, जो शब्द दिया रहेगा उसको पीछे जोड़ेंगे। आया बात समझ में, उपसर्ग में क्या करना है, उपसर्ग में आगे जोड़ना है और प्रत्यय में पीछे जोड़ना है। उप मतलब ऊपर, प्र मतलब पीछे, यानी कोई भी शब्द को अगर उपसर्ग बनाने के लिए बोलता है तो उपसर्ग कोई भी शब्द दिया रहेगा तो उस शब्द को पहले हम लोग जोड़ेंगे, और प्रत्यय बनाने के लिए कहेगा तो उस शब्द को हम लोग पीछे जोड़ेंगे। जैसे समझिए, उपसर्ग का, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना है, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप मतलब क्या होता है, समीप, उप मतलब क्या होता है, समीप, और सर्ग मतलब क्या होता है, सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना, जो शब्द पहले से लग, जो शब्द के पहले लग कर उसका अर्थ बदल दे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसी शब्द के साथ जुड़कर उस शब्द का अर्थ को बदल दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके साथ साथ अभी मैं प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय में कॉम्बिनेशन पढ़ाने के बाद उपसर्ग पर ही आऊंगा, प्रत्यय बाद में चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा उपसर्ग और प्रत्यय का परिभाषा समझा देता हूँ। अब थोड़ा सा प्रत्यय के देखते हैं। सामान्य भाषा में प्रत्यय वो शब्द है जो अवयवों के बाद लगकर उसे नया रूप और नया अर्थ प्रदान करते हैं। क्या सामान्य अर्थ में बात करें कि किसी शब्द में प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगकर, किसी अवयव के पीछे लगकर उसका नया अर्थ या नया रूप क्या करता है, प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ देखिए, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रत्यय भी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है संधि विच्छेद, देखिए, प्रति, प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, साथ में पर बाद में, आय का मतलब होता है चलने वाला। प्रति, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या हो गया, प्रति प्लस आय, प्रति का अर्थ क्या होता है, साथ में पर बाद में, ठीक है, आय मतलब चलने वाला। अर्थात कहने का मतलब है प्रति तो रहेगा साथ में रहेगा लेकिन पीछे से रहेगा, पीछे से सपोर्ट करेगा, आगे से सपोर्ट नहीं करेगा, आगे से सपोर्ट उपसर्ग में करेगा और पीछे से सपोर्ट प्रत्यय में करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, यानी प्रत्यय शब्द का अर्थ है पीछे चलना, जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु, दया शब्द के अंत में, दया शब्द के अंत में आलू जोड़ दिया, दया शब्द के अंत में आलू जोड़ दिया तो क्या हो गया, दयालु। अब एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ई, अगर ई शब्द से कहेगा कि प्रत्यय बना दीजिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो ली, यानी ली में क्या आ गया, ई आ गया, ली में क्या आ गया, ई आ गया, तो ई ल में जुड़ कर क्या बना दिया, ई, ई हमारा जो पीछे जुड़ गया है हमारा हो गया क्या, प्रत्यय हो गया। अब देखिए, आगे देखते हैं,
उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, उपसर्ग उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ता है क्या? मैंने पहले ही बताया कि उपसर्ग जो होता है शब्द से पहले जुड़ता है, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय अंत में जुड़ता है। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ेगा, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। उपसर्ग उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है, यानी उपसर्ग जुड़ने पर उस मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है। प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर उपसर्ग लगता है, अगर उपसर्ग जुड़ता है तो उसका जो मूल शब्द होता है उसका हो सकता है कि पूरा ही पूरा अर्थ बदल जाए, लेकिन अगर प्रत्यय में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो जो अर्थ होता है वो उसके अगल बगल ही रहेगा लेकिन पूरा बदलेगा नहीं। देखिए जैसे समझते हैं, प्रचार यानी प्रचार, इसमें प्र उपसर्ग लगा है तो जो चार शब्द से पहले जुड़ा है यानी कि चार शब्द दिया है, क्या दिया है? चार शब्द दिया है और क्र कह रहा है प्र उपसर्ग से, प्र उपसर्ग से क्या बनाइए? शब्द बनाइए, यानी कि यहाँ तो क्वांटिटी है चार, यहाँ पर शब्द दिया है तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रचार। अर्थात कहने का मतलब है कि चार का तो अर्थ पूरा बदल गया, चार का तो क्या हो गया? अर्थ बदल गया, ये तो हमारा क्या हो गया? प्रचार एडवर्टाइजमेंट हो गया। देखिए समझते हैं, आगे चलते हैं। अब प्रत्यय में, प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। अभी मैंने बताया कि इधर उधर भागेगा नहीं, उसके अगल बगल ही रहेगा, इसका कोई अर्थ चेंज नहीं करेगा, हल्का फल्का चेंज करेगा। देखिए ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इक, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐतिहासिक। इसमें इक प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है? यह जो इक है इसमें इक प्रत्यय लगा है जो शब्द के अंत में जुड़ा है। इतिहासिक, इतिहास, इतिहासिक, इतिहास, इतिहासिक, ये समझ में आया? इतिहास, इतिहासिक, इतिहास, ऐतिहासिक, थोड़ा सा खाली चेंजिंग है, माइनर चेंजिंग है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यय बोलेंगे। और जिसमें पूरा पूरा उस शब्द क्या होता है? अर्थ बदल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलते हैं। ये हुआ हमारा उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। अब देखिए उपसर्ग के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे समझिए प्र शब्द से क्या करना है? उपसर्ग बनाना है। प्र शब्द से उपसर्ग बनाना है तो प्रहार, उप शब्द से उपकार, अशब्द हार में अशब्द से आहार। हिंदी में मुख्यतः उपसर्ग कितने होते हैं? चार होते हैं। हिंदी में मुख्यतः उपसर्ग कितने होते हैं? चार होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होता है, हिंदी के उपसर्ग होता है, उर्दू के उपसर्ग होता है और अंग्रेजी के उपसर्ग होता है। हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? चार होती है। कौन कौन सा? संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उसके साथ साथ अंग्रेजी का उपसर्ग होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। किसके उपसर्ग के बारे में? संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बात करेंगे कि संस्कृत का उपसर्ग क्या क्या है। देखिए देखिए संस्कृत के उपसर्ग में कुल संस्कृत के 22 मूल होते हैं। अगर संस्कृत के उपसर्ग की बात किया जाए तो संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। और वह देखिए 22 उपसर्ग यहाँ से आप लोगों को बारी बारी मिल जाएगा। देखिए पहल क्या है? अति, अति का अर्थ होता है अधिक। अब अति शब्द से, अति उपसर्ग से हम लोग क्या करना है? शब्द बनाना है। अतिशय, अतिक्रमण, अत्यंत, अत्याचार। अब देखिए अधि उपसर्ग है, अधि का मतलब होता है प्रधान या श्रेष्ठ, अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अधिकरण। उसके बाद देखते हैं अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। अब अनु शब्द से हमको उपसर्ग बनाना है तो अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुनाद, अनुभव। यानी हमेशा मैं बता रहा हूँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, उपसर्ग का मतलब क्या? पहले। उपसर्ग का मतलब क्या करना है? पहले, यानी क्या? किसी शब्द से पहले उस शब्द को जोड़ा रहेगा। जो शब्द बोलेगा कहेगा कि अप शब्द से उपसर्ग बनाइए, अप शब्द से उपसर्ग बनाइए, तो अप को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे? भाई आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो बोलो, आपसे पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन वाला जवाब दो। हाँ
ठीक है, क्या जोड़ेंगे, पहले जोड़ेंगे, ठीक है। अब शब्द को पहले जोड़ेंगे तो अप का मतलब हो गया बुरा, अपशय, अपशब्द, अपकार, अपकीर्ति, अपशकुन। आगे देखते हैं, अभी का मतलब होता है पास, अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण, अभियोग। औ का मतलब होता है हीनता, औ शब्द से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अवगुण, अवगति, अवरोहण। आ शब्द से आ का मतलब होता है ताक या से, आघात, आरक्षण, आमरण, आगमन, आजीवन, आजन्म, ठीक है। नेक्स्ट,